अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपका ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। मांस खाता है मटन बड़े बड़ा गोश्त पड़े बदबू मारा नहीं करेगा। हाँ 10 किलो रोज खा रही हो। ये जो है 3/8 से जो है आज ये दिसंबर अपना हो गया है, ये 18 दिसंबर हो गया। तो आज बीच में आने जा रहा है। हाँ नहीं 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 इधर आप पूरी तरह स्वस्थ? हाँ पूरी तरह स्वस्थ है। स्वस्थ का हमारा सबसे पहले इसका मेडिकल चेकअप कराया हम लोगों ने। वहाँ फॉरेंसिक डॉक्टर आए थे जबलपुर से, उसका सैंपल ले गए थे, ब्लड का ले गए थे, स्टूल का ले गए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से इसका नेगेटिव रिपोर्ट भेजा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद हमने भोपाल इसके रिपोर्टिंग करी। उसके बाद भोपाल द्वारा बोला गया ठीक है आप इसको क्यूनी सेंचुरी में छोड़ दिए। तो आज हम इसको जो है क्यूनी सेंचुरी रेंज अफसर मिस्टर भीम सिंह सेनो जी के सिसोदिया जी के समक्ष जो है उसको रिलीव कर रहे हैं सर। के लिए हम लोग जो है सामान्य जो रिलीज प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हैं। एक बार और हम इसको जहाँ हमारे लोकल जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको एक ऑब्जर्वेशन जो रहता है उनका उसको करवाएंगे और चेकअप के बाद जो है उसको फाइनल रिलीज करेंगे। जनरली रिलीज के समय हम कैमरा ट्रैप वगैरह लगाते हैं जो जहाँ रिलीज़ करते हैं उसके 2 किलोमीटर के अंदर की टेरिटरी में और मॉनिटर करते हैं। हालांकि सामान्यतः वो नेचर का प्राणी है तो वो नेचर के साथ बहुत जल्दी इन्वॉल्व कर लेता है अपने आप को, और फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हमारे जो अलग अलग तरीके हैं उनसे कि वो स्वस्थ है और वो अपना भोजन वगैरह कर पा रहा है, शिकार वगैरह कर पा रहा है, तो उसको देखते रहते हैं। और अगर आवश्यकता होती है तो हम वन्य प्राणी विशेषज्ञ जो होते हैं हमारे उनसे संपर्क करते हैं। अगर आवश्यकता होती है तो उनको किमनी में बुलाते हैं और उनकी देख रेख में फिर जैसे जैसे वो वाइल्ड होता है उसके बाद वो अपना घुल मिल जाता है जंगल में सर।